कहते हैं प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून और जज्बा है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है दिल्ली के किराड़ी निवासी एक शख्स विनोद चौधरी ने, जिन्होंने अपने जुनून और जज्बे से केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने का काम किया है। दरअसल किराड़ी निवासी विनोद चौधरी ने अपने कारनामे से एक या दो बार नहीं बल्कि 9 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। दिखने में साधारण से व्यक्तित्व वाले विनोद चौधरी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कुछ अपने ही रिकॉर्ड तोड़े तो कुछ नए रिकॉर्ड बनाए, और वो भी ऐसे जो अभी तक अकेले विनोद चौधरी के नाम पर ही दर्ज हैं। विनोद चौधरी ने अभी हाल ही में वर्ष 2021 में 1 मिनट में 205 बार गेंद को हाथ से उछालने का लोहा मनवाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। लगातार 9 बार अपना नाम दर्ज कराने वाले विनोद चौधरी विश्व में देश का नाम रोशन करने के बावजूद आज गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। विनोद चौधरी को केवल इसी बात का मलाल है कि सरकार की तरफ से इनको सम्मान देना तो दूर, आज तक किसी ने इनका हाल भी जानना उचित नहीं समझा। विनोद चौधरी का कहना है कि भले ही सरकार उन्हें आर्थिक सहायता ना दे, लेकिन कम से कम उन्हें सम्मान तो दे ताकि जिससे उनका हौसला बढ़े और आगे भी वो देश का नाम रोशन कर सकें। गौरतलब है कि विनोद चौधरी ने कंप्यूटर पर सबसे तेज टाइपिंग, एक उंगली से तेज टाइपिंग और मुंह में पेन रखकर सबसे तेज टाइपिंग करने का महारत हासिल है। इसके अलावा विनोद चौधरी ने नाक से भी टाइपिंग कर रिकॉर्ड बनाया है। टाइपिंग के दौरान ऐसा लगता है कि मानो कीबोर्ड के बटन पर उंगलियां नाच रही हैं। उनकी इसी प्रतिभा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार नाम दर्ज कराया है। कहते हैं प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। एक ऐसे ही शख्स की कहानी हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जिन्होंने अपने प्रतिभा से ना केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि पिछले लगभग 2014 से लगातार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा रहे हैं और अब तक 9 बार उन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद चौधरी जी, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। विनोद चौधरी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगा, लगातार 9 बार अपना ही रिकॉर्ड बनाना, अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना, अभी हाल ही में 2021 में आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, किस चीज़ को लेकर के नाम दर्ज किया और क्या सफलता रही है? मैं तहे हृदय जो है आपके चैनल को जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो आप हमारे यहाँ आए और मेरा जो है इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। हाल फिलहाल जो है मैंने अभी स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो है मोस्ट टेनिस यूजिंग हैंड इन 1 मिनट्स में जो है इस टाइटल पे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैंने 1 मिनट पे सबसे ज़्यादा जो है अपने हाथों पे टेनिस बॉल को उछाला है 205 बार, तो इसीलिए मेरे को ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ये मेरा पहला टाइटल है टेनिस बॉल यानी स्पोर्ट्स जैसे कैटेगरी में किसी फील्ड में। लगातार 9 बार रिकॉर्ड दर्ज करना, 9 बार इतिहास बनाना, हर बार नए नए रिकॉर्ड ब्रेक करना, कौन कौन से रिकॉर्ड आपके नाम पर हैं इस 9 बार में? देखिए, मेरे नाम जो है कुल जो है 8 जो है टाइपी के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, जो 5 तो ऐसे हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, हिस्ट्री बनाई है, यानी फर्स्ट पर्सन वर्ल्ड में जो मेरे द्वारा ही बनाया गया है, और उसके इन्हीं में मैंने कुछ रिकॉर्ड्स जो है अपने ही रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। तो इस तरह से कुल मेरे पास 8 टाइटल टाइपिंग के अंदर है, और एट प्रेजेंट टाइम जो मैंने अभी हाल ही में बनाया है स्पोर्ट्स वाले में, वो मेरे एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में है। तो इस तरह से कुल मेरे पास 9 टाइटल बनते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है लगातार नए रिकॉर्ड बनाना, अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना और लगातार हर साल अपना नाम दर्ज कराना, कितना चुनौतीपूर्ण रहा और किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहता है, किसी भी फील्ड में अगर आप अभ्यास करते हैं किसी भी फील्ड पे और उसमें कामयाबी पाना अंत समय तक बहुत मुश्किलें होती हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और भी तरह से, मेंटली रूप से भी आप जो है बहुत मुश्किल होता है अपने आप को बनाना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर भी मैं अपने जुनून को, अपने पागलपन को जो है ना ख़त्म नहीं होने देता, और मैं अभ्यास करता रहता हूँ। और निश्चित रूप से जो है यही कारण है मेरी सफलता का कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इस रिकॉर्ड्स को बना पाता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम से नहीं घबराता और अपने जो है
जो मेरा जुनून, मेरा जो टाइटल है, मेरा कि कुछ विश्व स्तर पे जो है मैं इंडिविजुअली अपना भारत का नाम जो है नाम रोशन कर पाऊँ, और मैं इस रूप में कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जानना चाहूँगा कि और आपने ऐसे कौन कौन से जो रिकॉर्ड बनाए हैं, किस किस प्रतिभा के नाम, किस किस चीज़ के लिए रहा है, कौन कौन से रिकॉर्ड आपने बनाए हैं अपने नाम पे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो अद्भुत जो रिकॉर्ड है मेरा नाक से टाइप करके है, जो टाइप लोग सोचते हैं कि हाथ से ही टाइप होता है, लेकिन मैंने नाक से ही टाइप करके जो है रिकॉर्ड्स बना डाला था, जिसके लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों ने वर्ल्ड लेवल पे जो है मुझे बहुत प्यार मिला, और लोग हैरान होते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसी कोई टाइपिंग हो सकती है क्या। तो वहाँ से मुझे यानी नाम मिला एक मेरा, को अलग तरीके का एक पहचान मिली कि हाँ ये है। लोगों का कई जगह मजाक भी हुआ कि यार ये कोई टाइपिंग है क्या, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड्स हैं, और अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को किसी भी क्षेत्र में अपने स्किल के द्वारा, अपने आर्ट्स के द्वारा, तो ये आपको गर्व की बात है। तो इस तरह से टाइपिंग में मेरी जो है शुरुआत रही, ये नाक से टाइप करके, आँखों पे पट्टी बांध के, एक हाथ से टाइप करके, एक उंगली से टाइप करके, मुंह में पेन रख के टाइप करके, अब जो मेरा जो है टेनिस बॉल से, एक हाथ से मैंने टेनिस बॉल को उछाला है। तो इस तरह से मेरी जो है आगे जो है जनरली अभी बढ़ेगी, भगवान ने चाहा तो और भी रिकॉर्ड्स आएंगे। लगातार जब नए हम खुद के रिकॉर्ड तोड़ते हैं, खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, इतिहास बनाते हैं, अक्सर ऐसे समय में सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, तो आपको भी सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिला है, सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला है या नहीं? देखिए, अभी तक जो है सरकार की तरफ से तो मेरे को अभी कोई जो है इस तरह का कोई उनकी तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिला है, और मुझे हमेशा मलाल रहता है कि कहीं ना कहीं उनसे जो है प्रोत्साहन मिले, उनका आशीर्वाद मिले। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे को अभी इस तरह से कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला है। अक्सर कहा जाता है जब हम कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आप इस सफलता के पीछे किसको अपना श्रेय देते हैं? देखिए, मैं सफलता के पीछे जो है पहले जो मैं जहाँ कार्यरत हूँ वहाँ के स्टूडेंटों को जो है बहुत ज़्यादा जो है तय हृदय जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। वो मुझे बहुत अप्रिसिएट करते हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं, बहुत बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, कहीं ना कहीं वो मुझे गाइड करते रहते हैं और कहते रहते हैं विनोद जी आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत के लिए कुछ ना कुछ आप कर पा रहे हैं, और इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है और पूरे दुनिया को जो है एक संदेश जाता है। तो वहाँ के स्टूडेंटों से, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों से जो है मुझे पूरा प्यार मिलता है, वहाँ के प्रोफेसरों से, वहाँ के गुरुजनों से बहुत प्यार मिलता है, और जो मेरी फैमिलीज़ हैं जिसमें मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनसे सपोर्ट मिलता है, मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट है, समाज के लोग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं या कलीग हैं वो बहुत सम्मान देते हैं। तो हर जगह से कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ मेरे को प्रेरणा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये सारे रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ। आज का यूथ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नए युवा वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं, भटक जाते हैं रास्तों से, आप आज के यूथ को किस तरह से मैसेज देंगे कि वो भटके ना और वो भी इतिहास बना सकते हैं? देखिए, भारत जो है ये मतलब कहते हैं कि बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना, आप ये जानते हैं कि नवयुवक देश है, सबसे ज़्यादा नवयुवक हमारे पास ही है, और यहाँ पर प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब उसे हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, चाहे वो फैमिली से या समाज से या गवर्नमेंट से, तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है कि यार हमने इतनी मेहनत की और कुछ नहीं कर पाए। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी घबराएं ना, अपना धैर्य रखें और अपने मेहनत को जो है करते रहें, भले ही आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो आप जो चाहते थे। मेरे को अभी भी याद है, मेरी जो दादी है ये कहती थी, बेटा अगर चार की मेहनत करोगे तो एक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो निश्चित रूप से एक पे ज़िंदगी कट सकती है। तो मैं उन नवयुवक लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, एक की प्रेरणा रखें, एक की रुचि रखें कि हाँ मुझे एक जो है मिलेगा, और ऐसा वो एक ऐसा मिले कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारे प्यार से कट जाए। तो घबराना नहीं है और कभी भी ढगमगाना भी नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ विनोद चौधरी जी, जो 9 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं और बताते हैं किस तरीके से चुनौती के उनका पूरा का पूरा ये ज़िंदगी रही, चुनौतीपूर्ण उनका ये पूरा सफ़र रहा, और आज की युवा पीढ़ी को भी बताते हैं कि किस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए। दिल्ली से अपने सहयोगी भारत के साथ अजीत कुमार, हम वतन टीवी।